नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नई सुबह रहनमाई प्रोग्राम के करियर काउंसलिंग सेशंस के साथ मैं हूं सलीम ताहिर। आज के सेशन में हम इस बारे में बात करेंगे कि राइट प्रोफेशन चूज करने के लिए राइट एजुकेशन का क्या किरदार है। राइट करियर चूज करने में राइट एजुकेशन नहायत अहम किरदार अदा करती है। यूँ समझ लें कि राइट एजुकेशन एक सम्त है जिस पर चलते हुए हम राइट करियर की मंजिल पर पहुँच सकते हैं। अगर हम सम्त ही गलत चूज करेंगे तो हम कभी भी सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर हम अपने बच्चों के लिए राइट करियर चूज़ करना चाहते हैं तो हमें उनके टैलेंट के मुताबिक उनको एजुकेशन दिलानी चाहिए। अगर आपके बच्चे के अंदर लिटरेचर या आर्ट का टैलेंट है तो आप उसे आर्ट से रिलेटेड ही सब्जेक्ट चूज़ करवाइए, न कि आप उसे साइंस के रिलेटेड मजामीन चूज़ करवाएं। ये ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के टैलेंट को मद्देनज़र रखते हुए उसे मजामीन चूज़ करने का मशवरा दें। आप उस पर किसी किस्म का प्रेशर न डालें कि वो अपने टैलेंट से हटकर दूसरे मजामीन चूज करे। अगर आपके प्रेशर के तहत आपका बच्चा कोई दूसरे मजामीन चूज कर लेता है तो ना तो वो उन मजामीन में अच्छी कारकर्दगी दिखा पाएगा जिनको आपने चूज करने के लिए उसे मजबूर किया था, और ना ही वो अपने टैलेंट के मुताबिक आगे बढ़ पाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि उसे अपने टैलेंट के मुताबिक ना सिर्फ सब्जेक्ट चूज करने की इजाज़त दी जाए बल्कि इस मामले में उसकी रहनुमाई भी की जाए। याद रखिए कि एजुकेशन की टू टाइप्स हैं, एक फॉर्मल एजुकेशन और एक इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन तो बच्चे को सब्जेक्ट्स और बुक से हासिल हो सकती है, लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए उसे आपकी मदद की भी ज़रूरत होगी और माशरे में बहुत सारी चीज़ों की ऑब्जर्वेशन की भी ज़रूरत होगी। हमें दुनिया में सक्सेसफुल लोगों की बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं जिन्होंने या तो फॉर्मल एजुकेशन हासिल ही नहीं की थी या वो फॉर्मल एजुकेशन में बहुत बुरे थे, लेकिन इसके बावजूद वो नहायत सक्सेसफुल हुए और अपने टैलेंट के बायस बहुत तरक्की की। हमें बहुत सारे बिजनेसमैन, क्रिकेटर्स, हत्ता कि साइंटिस्ट भी ऐसे देखने को मिलते हैं जिनकी फॉर्मल एजुकेशन उस तरीके से नहीं हुई थी। या तो उन्होंने बचपन ही में अपनी फॉर्मल एजुकेशन को ख़त्म कर दिया था या फिर वो अपनी एजुकेशन में बहुत बुरे साबित हुए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने टैलेंट को समझते हुए और उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन और नॉलेज हासिल करते हुए बेहतरीन कामयाबी हासिल की। तो लिहाजा सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं बल्कि आपको अपने टैलेंट के मुताबिक इंफॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशन की भी ज़रूरत होती है। याद रहे कि टैलेंट अपने लिए रास्ते खुद बनाता है। अगर आपके बच्चे के अंदर किसी किस्म का टैलेंट मौजूद है तो वो अपने उस टैलेंट के मुताबिक इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेगा, और आपको चाहिए कि आप उस इंफॉर्मेशन को हासिल करने में उसकी मदद करें। ये मुमकिन है कि आपके बच्चे के अंदर जो टैलेंट मौजूद है उसको नरिश करने में फॉर्मल एजुकेशन के सब्जेक्ट्स मदद ना कर रहे हों। इस सूरत में आपका बच्चा अपने टैलेंट के मुताबिक इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके बच्चे के अंदर स्पोर्ट्स का टैलेंट है तो आपको सब्जेक्ट से हटकर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में दिलचस्पी लेता नजर आएगा। इसी तरह अगर आपके बच्चे के अंदर सिंगिंग या म्यूजिक का टैलेंट है तो आपको म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट लेता नजर आएगा। लिहाजा आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे के टैलेंट को समझते हुए या तो उसके फॉर्मल एजुकेशन में ऐसे सब्जेक्ट चूज करें जो उसके टैलेंट को सपोर्ट करें और उसे आगे बढ़ने में मदद फ्राहम करें, या फिर उसे उसके टैलेंट के मुताबिक इंफॉर्मेशन हासिल करने में उसकी मदद फ्राहम करें। अगर आप सिर्फ अपने बच्चे की फॉर्मल एजुकेशन पर तवज्जो मरकूज करेंगे, उसके ग्रेड्स को देखेंगे, उसके टैलेंट के मुताबिक उसको इंफॉर्मेशन हासिल करने नहीं देंगे, तो ना तो वो अपने टैलेंट में कामयाब हो पाएगा और ना ही वो तालीमी मैदान में कोई बेहतर कारकर्दगी कर पाएगा। लिहाजा आप अपने बच्चे के टैलेंट के मुताबिक उसकी मजामीन को चूज़ करने में उसकी मदद फ्राहम करें। अगर उसके अंदर आर्ट से रिलेटेड टैलेंट है तो आप उसे आर्ट से रिलेटेड मजामीन चूज़ करवाइए। अगर उसके अंदर साइंस से रिलेटेड टैलेंट मौजूद है तो आप उसके लिए साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। अगर आप अपने बच्चे के लिए राइट एजुकेशन चूज़ कर लेते हैं तो आप उसके लिए एक दुरुस्त सिम्त का तायुन कर देंगे जिस पर चलकर वो मुस्तकबिल में एक राइट करियर चूज़ कर सकता है और कामयाब हो सकता है। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।